हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लिम्स ऑफ कर्णिका'स वर्ल्ड। आज मैं आपके साथ लास्ट क्रिसमस लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि है पार्ट थर्ड। एंड इसमें मैं जस्ट बेसिक डे मेकअप स्टाइल आपके साथ शेयर करूंगी। आप इसे एज अ डे मेकअप और अ नाइट मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। एंड मैं अपनी लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लुक ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि हमने कैसे अचीव करी है। एंड आपको ये लुक कैसी लगी प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का शिया बटर मॉइस्चराइजर लिया है, उसे मैंने अपने फेस पे पूरी तरीके से अप्लाई कर लिया है। एज यू कैन सी, अच्छी तरीके से उसे आईज नोज एरिया जहाँ कॉर्नर्स होते हैं उन पे अच्छी तरीके से आप ब्लेंड कर लीजिए। देन यहाँ पर मैं लूँगी गुड वाइब्स का जेल है मेरे पास, एक थोड़ा सा ग्लोई एंड अच्छा मॉइस्चर देता है मेकअप से पहले। ये मैंगो वेरिएंट में है, उसे भी मैं अच्छी तरीके से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी हल्का से स्क्रब करके। इसे बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, ये आप आफ्टर फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। देन मैक का मेरे यहाँ पे प्राइमर है मेरे पास, जो मैंने मेकअप स्टोर इंस्टाग्राम स्टोर से बाय किया था। ये बहुत ही थिन कंसिस्टेंसी में है एंड इसको भी मैं अप्लाई कर लूँगी फेस पे अच्छे तरीके से। देन मैंने आई एम्स्टरडैम का फाउंडेशन लिया है यहाँ पे, इसका कोड और लिंक मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ये मेरे स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा डार्क कलर है, शेड है एंड बट मुझे इस लुक के लिए थोड़ा सा ऐसा ही शेड चाहिए था, इसलिए मैंने इसको पिक किया है। फिर उसे मैंने ब्लेंडिंग पफ के हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। मैंने पफ की हेल्प से इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया है। बहुत ही हल्के हाथ से आप इसको टैप करके कर सकते हैं ब्लेंड एंड प्रॉपर फेस एरिया पे आप इसको कवर करिए, अदरवाइज कहीं पे लगेगा फाउंडेशन एंड कहीं पे नहीं, सो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एंड सॉरी गाइस, इस वीडियो में आई डोंट नो कि क्या हुआ है, बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से मेरा इसमें वीडियो बना ही नहीं है एंड आप देख सकते हैं कि सेटिंग कैसी हो रखी है, अच्छी तरीके से फोकस ही नहीं हुआ है वीडियो। देन मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का हाइलाइटर कंटोरिंग पैलेट यूज़ कर रही हूँ, इस पर मैंने कलर करेक्टर लिया है जो कि हल्का सा ऑरेंजिश शेड में है, मैं पहले उसे अप्लाई करूँगी। इसे भी ब्लेंडिंग पफ के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। देन इसमें से सबसे लाइटेस्ट शेड लूंगी फॉर हाइलाइटिंग। फिंगर की हेल्प से मैं इसको लगाऊंगी एंड देन पफ के साथ इसको ब्लेंड कर दूंगी आईलेट पे, अंडर आई, ब्रिज ऑफ द नोज, फोरहेड एंड जहाँ भी मतलब हाइलाइटिंग होते हैं पॉइंट्स आप वहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसको ब्लेंड करूँगी, जस्ट आपको टैप करना है हल्का हल्का। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लूज पाउडर यूज़ करा है, ये मैंने अभी रिसेंटली बाय किया था ब्लू हेवन का सफायर। नेक्स्ट जैकलिन हिल का मैंने आई शेडो पैलेट लिया है, ये भी इंस्टाग्राम स्टोर से बाय किया था। इसमें से जो शेड मैंने पिक किया है वो मैंने आपको शो कर दिया है,
उसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे लगाऊंगी। एंड काफी अच्छे तरीके से आपको ब्लेंड करना है पूरे क्रीज पे आपको उसके। ये हल्का ब्राउनी सा शेड है। एंड देन मैंने यहाँ पर एक दूसरा पीची शेड लिया है, उसको भी मैं इसके साथ ब्लेंड कर दूंगी, मिक्स कर दूंगी वो शेड, जिससे एक थोड़ा अच्छा सा शेड इसमें शो होगा हमें। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक बर्गंडी कलर लिया है, जो कि मैं जस्ट आउटर साइड पे इसको ब्लेंड करूंगी। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने जस्ट इसको सिर्फ आउटर साइड पे ही ब्लेंड करा है, हल्का हल्का शेप दे करके एक वी शेप दिया है। एंड उसको हम वहीं पे जस्ट ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने कोको ब्राउन शेड लिया है डार्क, एंड उसको मैं ओनली आईलेट पे ऊपर टैप कर रही हूँ और उसको हल्का सा उस पर ब्लेंड कर देंगे। जो मैंने एक्सेस था उसका, लूज पाउडर का, वो मैं रिमूव कर रही हूँ। नेक्स्ट कोको पाउडर, कोको कलर जो है उसको मैंने फ्लैट ब्रश की हेल्प से और ज़्यादा कलर दिया है, थोड़ा डार्क करा है क्योंकि थोड़ा सा लाइट हो रहा था। तो हम जस्ट नीचे की साइड पे जो है उस पे लगाएंगे। एंड ये लिटिल बिट ग्लिटरी कलर है, इसमें ग्लिटर है हल्का सा। देन मैंने यहाँ पे मैबलिन का कॉम्पैक यूज़ करा है, हल्का सा उसको टचअप देने के लिए फेस पे। इट्स डन। एंड नेक्स्ट मलायो की आईब्रो किट से मैं आईब्रो सेट कर लूँगी। एंड लास्ट में हम इसे ब्रश की हेल्प से एक हल्का सा शेप दे देंगे। दैट्स इट गाइस, इट्स डन। आई कैन से कि मेरा जो वीडियो था बात का रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। एंड इसमें मैं आपको बाद में बता रही हूँ कि मैंने क्या किया था उसके बाद। तो मैंने इसमें से जो जैकलिन हिल का आई शेडो पैलेट था, उसी में से ब्राउन कलर लिया था कंटूरिंग के लिए। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ बिकॉज मेरा मेकअप ऑलरेडी डन था। कंटोरिंग नोज ब्रिज पे मैंने कंटोरिंग किया था लिटिल बिट। एंड मेरे पास जो आई शेडो पैलेट था प्रीवियस कैमोलियन का, उसमें से मैंने ब्राउनिश जो ब्लश था वो लिया था, उसे मैंने अप्लाई किया था। एंड नेक्स्ट मिस क्लियर का मैंने यहाँ पे हाईलाइटिंग पैलेट लिया था, उसमें से भी मैंने जस्ट जो गोल्डन शेड था उसी को पिक किया था फॉर हाइलाइटिंग। तो उसे मैंने चीक बोन्स पे एंड लिटिल बिट आईब्रो से अपर साइड जो होती है साइड में, हम वहाँ तक अप्लाई करते हैं। एंड नोज ब्रिज, फोरहेड एंड क्यूपिड्स, आप आईब्रो बोन पे भी उसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। इन सब के बाद मैंने यहाँ पर लिया था किस ब्यूटी का मेकअप फिक्सिंग स्प्रे एंड हुडा ब्यूटी की ब्राउन शेड, जो आप देख सकते हैं मैंने लगा रखा है, उसको मैंने अप्लाई किया था, जो कि बहुत ही डीप ब्राउनिश शेड है, चॉकलेटी। एंड ये शेड बहुत प्यारा लग रहा था लगाने के बाद, इट्स रियली प्रिटी। एंड ये भी मैंने इंस्टाग्राम स्टोर से बाय की थी लिपस्टिक। यहाँ मैं हूप ईयरिंग्स के साथ पेयर कर रही हूँ ड्रेस। एंड पॉनीटेल मैंने बनाई है इस पे, जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल लुक दिया मैंने। नाउ इट्स डन। Thank you.
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए. एंड इफ यू लाइक दिस मेकअप लुक प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज. एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑल्सो गाइज, उनको भी मे बी ऐसी कोई वीडियो की ज़रूरत हो. सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट करना प्लीज़ मत भूलिए. अगर आप वीडियो देखते हैं तो उसके बाद प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिए एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो. एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, अदरवाइज नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगे. एंड अगर आप और मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं एंड हम फ्रेंड्स बन सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. इफ़ यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड यू कैन ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, जो कि इंस्टाग्राम अकाउंट का हैंडल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन है. सो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल्सो. एंड आपको ये लुक कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके. एंड इसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, आई डोंट नो हाउ, बट मेरी जो वीडियो थी वो हाफ में ही रिकॉर्ड हो पाई है. दैट्स वाई मैंने इसको आगे अलग से एक वीडियो पार्ट बनाया है. बट मैं ऑलरेडी मेकअप कर चुकी थी तो मैंने जस्ट आपको प्रोडक्ट दिखाया है एंड आपको जस्ट बताया है कि मैंने कैसे अप्लाई करा है कंटूर एंड ब्लश एंड हाइलाइटर एंड लिपस्टिक. बस ये 4 प्रोडक्ट्स रह गए थे मेरे बताने. सो मैंने उसे आगे कंटिन्यू कर दिया है आपके साथ. एंड सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.